हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्टार्टिंग से लेकर के और आपको फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा और इसके साथ ही साथ कैसे हम उसको एक सॉफ्टवेयर जैसा लुक देंगे ये भी बताऊंगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हमें जाना है विंडोज बटन पर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक्सेस, तो जो भी हमारे पास एक्सेस का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डेटाबेस पर चले जाना है। जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे तो ये सिनेरियो आता है, फिर यहाँ पे आपको क्रिएट पर करना है क्लिक। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके भी सामने आएगी, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको व्यू पे जाना है। आप व्यू पे जा सकते हैं या यहाँ पर भी आकर के टेबल पर राइट क्लिक करके फिर डिजाइन व्यू पे इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर बाई डिफॉल्ट एक नेम दे देता है टेबल वन, लेकिन आप चाहे तो इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं है, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट टी दे देता हूँ। ठीक है, यानी प्रोडक्ट की टेबल है ये, तो ये प्रोडक्ट की नाम दे दिया। अब ये जो है प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की जो है एक यूनिक की होती है। ओके, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऑटो नंबर दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ये सेट करना मैंने बताया भी है कि कैसे सेट किया जाता है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट की आईडी रहने देते हैं, आईडी सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देना है। ओके, यहाँ पर आएंगे तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो फिर हमें यहाँ पर यूज करना है प्राइस, यानी इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो प्राइस के लिए हम अच्छा है कि करेंसी डेटा टाइप यूज करें, तो यहाँ से आप करेंसी चूज कर लीजिए, ये करेंसी आ जाएगा। फिर यहाँ पे यूनिट की बात कर लेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट। यहाँ पर हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे, ये ध्यान रखनी है बात, तो जब भी कैलकुलेट करने वाली बात आएगी तो नंबर डेटा टाइप आप रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और इसको डबल बना देता हूँ, हो सकता है यूनिट जो है पॉइंट में रहे तो डबल बना देता हूँ इसको। और फिर यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल, बहुत छोटी सी बात, कैसे कैलकुलेट किया जाए टोटल। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राइस को यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हो जाता है, तो इसको करेंगे कैसे, लेकिन यहाँ ठीक है बिगिनर्स जो है कंफ्यूजन में रहते हैं बराबर, तो ये कैलकुलेट पर जाएंगे हम और यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ 2021, तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ प्राइस, कुछ इस तरीके से ये प्राइस लिखा हमने और मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट से, बस काम हो जाएगा आपका। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हुए इसको बंद किया मैंने और यहाँ से ओके कर दिया, काम हो गया आपका, टोटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका टोटल होकर के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम देता हूँ मैं, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइक्रोफोन, तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट का नाम माइक्रोफोन। और यहाँ पर इसकी प्राइस डाल देंगे, जो भी इसकी प्राइस है, तो यहाँ पर प्राइस कर देता हूँ 1700 रुपए। ठीक है, ये आ गए। और यहाँ पर यूनिट कर देता हूँ 6, यहाँ पर यूनिट कर देता हूँ 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 यूनिट करते ही यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, लाइक मोबाइल कर देते हैं MOBILE मोबाइल फोन, PHONE मोबाइल फोन कर दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल फोन की प्राइस, तो यहाँ पे कर देता हूँ 14000 रुपए, तो ये कर दिया हमने। ये करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना है मोबाइल, तो 5 कर देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ से चाहे तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अब हमको फॉर्म बनाना है तो क्रिएट पे जा सकते हैं और यहाँ से चाहे तो हम नेविगेशन फॉर्म भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप नेविगेशन फॉर्म बनाना चाहें तो नेविगेशन फॉर्म बनाइए, अदरवाइज आप फॉर्म विजार्ड से जा सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म विजार्ड से मैं जाता हूँ, यहाँ फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी, ये कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं, बस यहाँ तक रखते हैं। डेटा आपको किस फॉर्म में चाहिए, कॉलमर फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, डेटा शीट व्यू में चाहिए, जैसे भी चाहिए यहाँ से लेकर के ओके करते हुए और मॉडिफाई डिजाइन पे जाकर के फिनिश कर देंगे हम, तो ये इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, डेटा हमारा इस तरीके से दिखेगा, आप इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से खिसका करके और इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ मैं, तो ये कर दिया हमने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे खिसका के लाते हैं। अब ये जो टेबल है हमारी, ये प्रोडक्ट की डिटेल है, तो यहाँ पर चाहे तो आप टाइटल खुद से भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर के मैं यहाँ दे देता हूँ
प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल DETAIL, तो ये दे दिया प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पर आप कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, होम टैब पे जाएंगे तो यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाता है, यहाँ से आप चाहे तो कलर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो टेक्स्ट का कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप टेक्स्ट का फॉन्ट भी बदल सकते हैं यहाँ से जाकर के, तो ये देखिए ये फॉन्ट भी मैंने बदल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी शीट है, प्रॉपर्टी शीट, अब प्रॉपर्टी शीट तो आपको दिख नहीं रही है, प्रॉपर्टी शीट कब दिखेगी? प्रॉपर्टी शीट दिखने के लिए यहाँ फॉन्ट, ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पे फॉन्ट डिजाइन पे जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी शीट नजर आएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी शीट है, हमने फॉर्म बनाया था तो यहाँ से आपको फॉर्म ही चूज करना है, बस यहाँ से पॉपअप को यस कर देना है, ये आपका सॉफ्टवेयर जैसा लुक देने लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो इस पे बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, पहले आप व्यू पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। तो ये तो इस तरीके से दिखेगा, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से वापस से इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इसको डिजाइन व्यू पे लेंगे हम, और यहाँ पर हम बटन्स भी लगाना चाहते हैं तो बटन्स लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे लगाएंगे बटन, आइए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्म डिजाइन पे जाना होगा और ये जो कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल पे आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ होगा, ये बटन होगा, तो आपको बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको ड्रैग करवा दीजिए, इस तरीके से ड्रैग करवाएंगे तो ये पहला बटन आ जाएगा, और ये इस तरीके से कमांड विजार्ड खुल के आएगा, इसमें आप इस अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है अपने मुताबिक इसको सेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन, तो ये एड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन टेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो ये एड रिकॉर्ड का एक बटन हो गया, ठीक है। हम चाहे तो फिर से यहाँ पे कंट्रोल पे जाकर के और फिर यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बटन पे वापिस से क्लिक किया और यहाँ पे इसको ड्रैग करवा दिया कुछ इस तरीके से, जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो ये विंडो ओपन होती है, यहाँ से एप्लीकेशन पे जाएंगे, क्विट एप्लीकेशन का बना सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट में जाएंगे तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, फॉर्म ऑपरेशन पे जाएंगे तो फॉर्म को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर्म को प्रिंट करवाने के लिए एक बना देते हैं, तो ये फॉर्म को प्रिंट करवाने के लिए ये मैंने बना दिया और यहाँ पे इसको टेक्स्ट ही रखेंगे हम, यहाँ से जाकर के फिनिश पे क्लिक करेंगे, बस ये काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है और आसानी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है। फिर यहाँ कंट्रोल पे जाएंगे वापस से, फिर यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करवा देंगे, ठीक है। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नई विंडो ओपन होगी, फिर यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे, डिलीट रिकॉर्ड पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से जाकर के और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बन गया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप बटन भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। देखिए अब ये आपका सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऐड करवाना है नया रिकॉर्ड तो यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऐड करवाना है इसमें कीबोर्ड, तो यहाँ पे लिखा मैंने KEYBOARD, ये लिख दिया कीबोर्ड, और फिर यहाँ पर इसकी प्राइस लिख देंगे, तो कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए, तो ये डाल दिया हमने 220, यहाँ पर आ गया। कितना कीबोर्ड लिया, 7 लिया, तो यहाँ पे टोटल आ गया। इस तरीके से देख सकते हैं ये आ गया है और अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमने सेव का बटन नहीं बनाया है तो हम सेव का भी एक बटन बना लेते हैं, तो यहाँ से जाकर के और एक सेव का बटन नीचे हम बनाने वाले हैं, तो चलिए ये देखते हैं सेव का बटन कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करवा देना है आपको, जैसे ड्रैग करवाएंगे ये विंडो तो ओपन ही हो जाएगी। रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर अगर आप चेक मार्क देना चाहते हैं तो चेक मार्क भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चेक मार्क इस बार बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये चेक मार्क के लिए दिया हुआ है चेक मार्क, तो यहाँ से चेक मार्क बना लेते हैं और यहाँ से जाकर के इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो चेक मार्क भी बन जाएगा और यहाँ पर जाने से आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो व्यू पे चलते हैं, अभी बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं फीडिंग करता हूँ, जो फीडिंग हमने की थी कीबोर्ड की, जो फीड नहीं हुआ था क्योंकि हमने सेव नहीं किया था उसको। तो ये कीबोर्ड हो गया, 220 रुपए प्राइस हो गया, 6-7 जितना भी लेना है ले करके और फिर यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सेव हो जाएगा और जब आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा से यहाँ से यस कर देता हूँ, फिर यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें जाना है नेक्स्ट पे, तो यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का भी बटन आप बना सकते हैं, तो ये देखिए कीबोर्ड ऑटोमेटिकली फिटेड मिलेगा यहाँ पे। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और इसी से रिलेटेड अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।